सतिकाल जी गाइस कैसे हो आप, होप यू डूइंग ग्रेट गाइस। आज आपको बताते हैं अगर आपके डॉग में ब्लड की कमी होने के क्या क्या कारण है। डॉग को बुखार उतर रहा है, फिर हो जा रहा है, फीवर डाउन, आप टेम्परेचर आपका डॉग का नॉर्मल क्या होता है, 100 से ऊपर, 103 से नीचे, और अगर 103 से ऊपर जा रहा है तो उसके क्या क्या कारण है आज हम वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले इसको सतिकाल सिंह साहब की नाम अपना और इसका क्या नाम है? इसका कोको कोको हो गया। आपका क्या नाम है? एकम। पूरा नाम दसो। एकम जी, सत कितन भाई साइकिल तो डग पे तू शरारती बहुत। चलो बैक टू द टॉपिक गाइस। भोला शोला के नाम से हमारे लगभग 10 फ्रेंचाइजी स्टोर ऑल ओवर इंडिया है। हमारी ऐप है भोला शोला के नाम से, आईफोन और एंड्रॉइड फोन दोनों पर अवेलेबल है। एंड www.bholashola.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, प्लीज शॉप देयर। ऊपर आ जाओ। ओके गाइस, इनका बॉडी वेट है 4.4, ऐसा कुछ चल रहा है इसका बॉडी वेट। तो आज आपको बताते हैं कि डॉग को जो टिक्स के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ना, अचानक अगर आपका डॉग खाना ना खाए, लेथेजिक हो जाए, वो मूवमेंट स्लो हो जाए उसकी, और अचानक वो वीकनेस भी उसको ज्यादा फील हो, तो समझ लीजिए कि डॉग क्या में बुखार है। आप बुखार चेक करा से हमारी बहुत सारी वीडियोस है कि बुखार कैसे चेक किया जाता है, लेकिन अदरवाइज अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, जो डॉग के यहाँ कान होते हैं ना, कानों के अंदर अपना ये अंगूठा यहाँ से चेक कर सकते हो। ये लुक वार्म जैसे होने चाहिए, ज़्यादा गर्म होगा तो बुखार होगा। वैसे डॉग की मूवमेंट स्लो हो जाती है, डॉग अगर आपको लिंक करता है तो उसकी जीभ से भी अंदाजा लगाया जा सकता है, और यहाँ डॉग के बॉडी पार्ट में भी आप टच कर अंदाजा लगा सकते हो कि डॉग को बुखार है। अगर डॉग का बुखार उतर रहा है, चढ़ रहा है, बार बार उतर रहा है, चढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि डॉग को टिक फीवर है। ये बहुत ही भयानक बीमारी है। डॉग में खून की कमी भी टिक्स के कारण होती है। टिक्स जब डॉग को काटते हैं तो वो अंदर अपना जहर छोड़ देते हैं, जिससे डॉग में ब्लड की कमी भी आगे जाकर हो सकती है। तो इसके लिए आपको पास हमारे पास जो दवाई है, ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है। सबसे बड़ी वाली ये होती है 40 से लेकर 60, फिर उससे छोटी वाली है ये है 20 से लेकर 40, और मिडल वाली ये है 10 से लेकर 20, लेकिन इसके ऊपर ये काम आएगी अप टू 10 kg। करना क्या है सिंपल, ये इस तरह दवाई होती है ये, और ये पिपिट के अंदर बिल्कुल थोड़ी सी दवाई आप देख रहे होंगे, ये है, यही 10 kg तक सिंगल डोज है, यही काम करेगी। लगाना कहाँ है? डॉग के यहाँ पर आप डॉग के खाता है बाल हटाकर यहां से चमड़ी दिख जाए वहां पर लगा सकते हो आप। एक ही जगह लगानी है और लगभग अगले 3 महीनों तक आपका डॉग सेफ है किसी भी तरह के टिक्स। 4 तरह के टिक्स होते हैं, टिक्स, लीस, फ्लाइस या उनके एग्स भी होते हैं, तो चारों तरह के टिक्स से आपका डॉग अगले 3 महीने के लिए सेफ। ना ही डॉग को कोई आपको लगेगा कि बुखार है, ना ही लेथेजिक है, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है डॉग में ब्लड की। अगर कमी हो जाए तो डॉग का ब्लड मिल पाना आसान नहीं है गाइस, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए।